यार अमजद, तू यार इतनी देर लगा रहा है। कसम से यार, इतनी देर में तो मैं कितनी लड़कियां घेर लेता हूँ। अरे जानी, जितनी मेहनत करोगे चीज भी वैसी निकल के आएगी। तू बस का मजा चेक करना बस। तू यार, तू एक काम कर, ला दे इधर, दे इधर दे। तेरे काम भी सारे ऐसे ही यार। एक बात तो बता शेरी, ना मशहूर डायरेक्टर हो गया भाई, वड़की बनाई अभी तक? अबे क्या हो गया यार, तुझे पता तो है मेरा। अरे मेरी जान, अब तो तू कुछ कर ले यार, अब तो तेरे पास अथॉरिटी भी है यार। नहीं यार, आई थिंक सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, अपना अपना शौक होता है। अबे यही तो यार, इसी शौक को पूरा करने के लिए हम जैसे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये ले। नहीं यार, मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। पहला डायरेक्टर देखा है जो लड़कियों से दूर भागता है? अरे प्यारे, यही जिंदगी है, जब तक पोजीशन है जितने चाहे मजे उड़ा ले यार। अबे चल चुप हो जा यार तू। चल यार ये पी। नहीं दादा, ये भी छोड़ दिया। अबे अबे, तूने सब कुछ छोड़ दिया? अबे काम के साथ साथ यार सब कुछ कर लिया कर यार। यार जानी, तुझे कोई शॉप के लिए लड़की चाहिए तो मुझे बता। बोलने वाले आर्टिस्ट हैं उसके पास? अरे जानी, बोलने वाले भी हैं। मुझे अपने पुराने उस्ताद और अपने साथी को देखकर बहुत खुशी महसूस हुई थी। मैंने खुद को नशे से बहुत मुश्किल से रोका हुआ था, मगर अमजद और कमाल के इसरार पर मैं खुद को रोक नहीं सका। उस दिन के बाद से मुझे शराब के नशे की लत लग गई थी। मेरे जहन में यही बात थी कि डायरेक्टर कमाल भी तो सब करते हैं, फिर भी कामयाब है, तो फिर मैं क्यों नहीं? यार वो ड्रामा है ना मेरी वफा, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं, मुझे भी जाना है यार, मुझे बहुत शौक है टीवी में जाने का। यार आई थिंक इनका ऑफिस 3 तलवार पे, लेकिन तुझे पता है ये जितने भी बड़े ड्रामों के डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये इनका करेक्टर कुछ ठीक नहीं होता। अरे यार, करेक्टर से क्या करना, इंसान खुद से ही होना चाहिए, और वैसे भी ताली 2 हाथ से बजती है। मेरे सितारे उरूज पर थे, साथ ही मेरी अना और गुरूर भी बढ़ गया था। अब मैं काम के पीछे नहीं बल्कि काम मेरे पीछे भाग रहा था। मैं शूट पर किसी से नरमी से पेश नहीं आता, हर एक को हकारत की नजर से देखने लगा था। रोल क्या? एक दिन मैं ऑफिस के लिए आ रहा था तो एक लड़का ऑडिशन के लिए मेरे पास आया, मगर मैंने उसको बुरी तरह झाड़ दिया। मैं सिर्फ लड़कियों को तरजीह दे रहा था। देखो, सिचुएशन ये है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के तुम्हारे दोस्त के साथ ताल्लुकात हैं और तुम्हें इसका पता चल गया है, और अब तुम उससे मिले हो। ये डायलॉग्स हैं, पढ़ो समझो और उसके बाद बताओ। हाँ हेलो, हाँ पढ़ लिए? जी सर। करके बताओ। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जी। कैसी है? उसके सामने भी ऐसी शर्माते हो? नहीं सर, नहीं नहीं। क्या नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? सानिया नाम है सर। उसको भी सर एक्टिंग का बहुत शौक है सर। किसी दिन सानिया को अपने साथ लेकर आना और दोनों का साथ में ऑडिशन लूंगा। अभी घर जाओ, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, ठीक है? और हाँ, शीशे में खुद को शर्माते हुए भी देखना, कैसे लगते हो। क्यों सर? जब देखोगे तो पता चल जाएगा। तुम लोग भी कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं यार, जिन्हें एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। शरीफ भाई, मैंने नहीं बुलाया था इसको, ये खुद ही आ गया था। ये तो बाहर बिठाना था, फायर कर दे, चला जाता खुद ही। आ जाओ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? फाइजा। एक्टिंग करती हो? फर्स्ट टाइम है, मगर सीख जाऊंगी।
देखो फायदा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोगों को एक्टिंग सिखाते रहें, लेकिन अब तुम आ गई हो तो देखो ये सीन है, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया, अब करके बताओ। अदनान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अदनान, मेरी बात सुनो। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़े से फंबल हैं लेकिन सही हो जाएगा। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। अगली कहानी के लिए छोटी बहन के लिए ठीक रहेगी, वैसे ऑडिशन अच्छा दिया है इसने। हाँ देखते हैं, लेकिन रंग थोड़ा डार्क है इसका। हाय, दिस इज मरीना। हाँ बैठो। क्या करती हो? I have just complete my BA. Now I am free, so I want to show my abilities in front of camera. तो क्या abilities हैं आप में? Well, मैं dance बहुत अच्छा करती हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है। देखो मरीना, situation कुछ इस तरह से है कि तुम एक लड़के से पहली दफा मिली हो और वो तुम्हें बहुत अच्छा लगा है और इस बात का इजहार तुम उसी वक्त करना चाहती हो। देखो ये कुछ dialogues हैं, ये यहाँ से को अच्छी तरह पढ़ो, फिर से याद करना। हाँ देख लिया जी। शुरू करो। अली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा अब तुम जाओ और इंशाल्लाह हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा नंबर तो बताओ अपना। 03। हाँ अगली कहानी के लिए यही लड़की होगी। मगर शरीफ भाई, इसने तो एक्टिंग अच्छी नहीं की और इसकी उर्दू कितनी खराब है। अबे रंगत तो साफ है ना बेटा, आजकल लोग स्क्रीन पर ग्लैमर चाहते हैं। मगर मुझे तो कोई खास ग्लैमर नजर नहीं आया। जो तुम्हें नजर नहीं आया ना, वो मुझे नजर आया। हमने जो 31-32 एपिसोड फेंके थे ना, उसमें एक बोल्ड सीन डाला था, उसकी वजह से उसकी रेटिंग 7.3 आई थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली कहानी का स्क्रिप्ट भी चेंज करके उसमें 2 बोल्ड सीन डाल देते हैं, फिर तुम देखना। मगर राइटर और प्रोड्यूसर क्या बोलेंगे? अबे उनकी फिक्र छोड़, वो मैं संभाल लूंगा। अभी तो प्रोड्यूसर हमारे नाम की माला जप रहा है, जो हम बोलेंगे वो करेगा। ओके। यार जानी, ये अपने बॉस को क्या होता जा रहा है? क्यों, क्या हुआ? यार प्रोडक्शन क्वालिटी और कास्टिंग वगैरह सब मिसमैनेज करके रखा हुआ है। पता नहीं यार, खैर तू भी टेंशन लेता है, ड्रामा तो ओके जा रहा है ना अपना, छोड़। हाँ यार, दुआ कर सब कुछ अच्छा ही चलता रहे। मुझे मरीना बहुत अच्छी लगी थी। मुझे अपने दोस्त अमजद और कमाल की बात याद आई, मेरे अंदर शैतान आ गया था। मैंने मरीना को कॉल करके डन कर दिया।
अमजद, बोल कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बता, लड़की चाहिए तुझे? हाँ हाँ भेज दे। कौन है? यार एक बच्ची आई हुई है, बहुत दम, शाजिया नाम है। हाँ हाँ फिर तो जरूर भेज। चल आखिर तू लाइन पे आई गया। हाँ हाँ लगा दिया तुम लोगों ने इस लाइन पर भी। अच्छा अब छोड़ना यार, मैं तुझे इस बच्चे का नंबर सेंड कर रहा हूँ, बारी आएगा। अरे हाँ बैठे हैं ना हल्का करने के लिए। चल ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सेंड करता हूँ तुझे। चलो ओके बाय। हाँ अहमद, वो मरीना को भेज दो जरा कोने वाले कमरे में, ठीक है।